और ये है हमारे कृष्ण भगवान जी, मतलब कान्हा जी। तो आज मैं कान्हा जी का पेंट से मेकअप करने जा रही हूँ, क्योंकि सारा ही पूरा पेंट उतर चुका है, देखो आईज़ पे, लिप्स पे, और भगवान जी का टीका, सब कुछ। तो मैं आज फिर से पेंट करने जा रही हूँ, और इसके लिए मैंने फैब्रिक पेंट ली है, जो मैंने लास्ट स्ट्रोक में लड्डू का मेकअप किया था, और उसी के साथ मैं कृष्ण भगवान जी का मेकअप करूँगी। देखो सारा मेकअप, मतलब पेंट से सारा ये मूर्ति ये जो है बिल्कुल अजीब सी हो गया है। तो मैं पहले कृष्ण भगवान जी को नहला देती हूँ अच्छे से, फिर इनको क्लीन करके इसके बाद मैं अपना पेंट करना स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले मैं लिप्स पे करती हूँ, जो कलर दिया हुआ है उसी के ऊपर मैं कलर कर रही हूँ, जो पहले से ऑलरेडी जो इस पर था। तो सबसे पहले मैंने लिप्स पे किया रेड कलर, इनको अच्छे शेप दे दी है, और ये मैंने 0 साइज़ का ब्रश लिया है, और इस तरह से। इसके बाद जहाँ जहाँ रेड कलर है वहाँ मैं हर जगह रेड कलर का यूज़ करूँगी अभी। इसके बाद मैंने की है ब्लैक कलर लिया है, और इससे मैंने भगवान जी की आईब्रो बनाई है इस तरह से। और इसके बाद मैंने ब्लैक की कलर से जो मुकुट के नीचे लाइनिंग की है वो की। इसके बाद मैंने रेड कलर से भगवान जी का तिलक किया है, तिलक। और इसके बाद इस तरह से। इसके बाद फिर मैंने भगवान के नेल पेंट लगाया है रेड कलर से, पहले भी रेड कलर से किया हुआ था तो मैंने इसी के ऊपर लगा दिया है, बट वो पहले उतरा हुआ था। और भगवान जी के जो बैंगल्स हैं उसके चारों तरफ रेड कलर था, उस पर मैंने रेड कलर कर दिया इस तरह से। और इसके बाद भगवान जी की जो हाथों में रेखाएं थी वो भी रेड कलर की थी, उस पर भी मैंने फिर से रेड कलर कर दिया। वो बिल्कुल लाइट हो चुकी हैं सब की सब, तो मैं फिर से कर रही हूँ इस वजह से। और हमारे घर में भगवान जी को आए को शायद जब से घर बना है तो 8-9 साल हो गए हैं, तो फर्स्ट टाइम ही मेकअप हो रहा है इनका पेंट से, और काफ़ी टाइम हो गया जब से, मतलब लेके आए थे तो हकी आनी था, क्योंकि अब काफ़ी लाइट भी हो गया है। तो मैं आज मेरा मन था काफ़ी, तो मैंने किया है इस तरह से। अब मैंने भगवान जी के जो टॉप्स हैं उन पर भी रेड कलर कर दिया गोल्डन के ऊपर, और भगवान जी के आईज में थोड़ा थोड़ा कॉर्नर में हल्का सा रेड कलर था, वो मैंने वहाँ पे भी रेड कलर किया। ये है भगवान जी की माला, इस पर मैं रेड कलर कर रही हूँ, हाफ ये ग्रीन में है हाफ ये रेड में है, तो मैं दोनों कलर करूँगी। पहले मैं रेड कलर कर देती हूँ इस तरह से, और अब मैं भगवान जी के पैर में रेड कलर करती हूँ। उसके बाद जो भगवान जी के पीछे मुकुट का वो बना हुआ उसमें रेड कलर करती हूँ, और जहाँ भी रेड कलर मेंशन किया हो मैं हर जगह रेड कलर कर रही हूँ, हर जगह जहाँ भी पहले से था। और मैं भगवान की आईज में हल्का हल्का वाइट कलर कर रही हूँ, जो आईज का बेस है वहाँ पे। इसके बाद मैं पहले भगवानों के बालों को हाईलाइट कर रही हूँ आगे से, और इसके बाद मैं भगवान जी के बालों पर ब्लैक कलर का पेंट कर रही हूँ। पहले ब्राउन था बट मैंने ब्लैक कर दिया है, और जहाँ जहाँ ब्लैक कलर है वहाँ पे मैं ब्लैक कलर के, जैसे यहाँ पे भगवान जी का ये शोल है इस पर ब्लैक कलर की लाइनिंग है, वहाँ पे ब्लैक कलर, और जहाँ भी ब्लैक कलर को हाईलाइट किया हुआ है वहाँ पे हर जगह ब्लैक कलर कर दिया। और यहाँ पे मैंने अपनी मर्जी से ऐसे रेड कलर की लाइनिंग बना दी है, और ये जो ग्रीन कलर माला में ग्रीन कलर है वो मेरे पास है नहीं, तो मैंने ब्लू और वाइट कलर को मिक्स करके ग्रीन कलर बना लिया, देखो। और अच्छा बना मेरा, काफ़ी थोड़ा डार्क हो गया उससे, पर अच्छा लग रहा है देखो। और मैं फर्स्ट टाइम कर रही हूँ, मैंने इससे पहले कभी पेंट भी नहीं किया, कभी ब्रश नहीं उठाया हाथ में कभी भी, मैं फर्स्ट टाइम ही कर रही हूँ, फर्स्ट एक्सपीरियंस है मेरा। और बस अच्छा हो जाए, और हर जगह मैं हाईलाइट कर रही हूँ। अब मेरे पास गोल्डन कलर अवेलेबल नहीं था, तो मैंने क्या किया, मैंने येल्लो कलर किया है, जहाँ पर गोल्डन कलर था वहाँ पर हर जगह मैंने येल्लो कलर से किया है मेकअप इस तरह से, क्योंकि ये गोल्डन था नहीं मेरे पास, तो फिर मैंने येलो कलर प्रेफर किया। और ये माला में मैंने अपनी मर्जी से डॉट डॉट लगा दिए, और यहाँ पे मैंने ग्रीन कलर कर दिया भगवान जी के जो मोर पंख लगे होते जहाँ पे, और इस तरह से जो भगवान जी के नीचे यहाँ पे भी ग्रीन कलर था वहाँ पे मैंने ग्रीन कलर कर दिया। और इस तरह से मेरा भगवान जी का बिल्कुल अच्छा सा मेकअप हो गया है, और मैंने सच में दिल से किया है, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, भगवान जी बड़े सुंदर लग रहे हैं।
मैंने पूरे मंदिर की है क्लीनिंग अच्छे से। तब तक राधा जी और कृष्ण जी का पेंट सूख रहा है, कम से कम 24 घंटे के लिए सुखाना है, इसके बाद ही अच्छे से सूख पाएगा। और ये है जितने भी ड्रेसेस है वो सारी की सारी, और राधा जो मंदिर के जितने भी कपड़े हैं, राधा कृष्ण जी के सारे लड्डू ये टोकरी सब कुछ मैं वॉश करूँगी किचन में इस टोकरी में। मैं गाइस आज मैं बिल्कुल ही थक चुकी हूँ, क्योंकि ना मुझे टोन्सिल पूरी आँच टोन्सिल की दिक्कत लग रही है, थोड़ा हल्का हल्का फीवर भी है मुझे इस वजह से। बट मैं तो जब मंदिर में लग गई हूँ, तो जब तक तो मंदिर का पूरा काम कंप्लीट नहीं होता तब तक मैं सोचा तब तक पीछे नहीं हटूँ, वरना ना एक पीछे छूट जाता तो छूट जाता है। उसके बाद मैं कपड़े धोने के बाद फिर जो मंदिर के जितने भी बर्तन है पीतल के तांबर के सब मैं अच्छे से यहाँ पे पास में शॉप है वहाँ पे पीतांबर पोछ के आए थे, साफ़ करने के लिए भी शॉप बंद थी शायद, तो इस वजह से, वरना फिर इनको मैं वैसे सरफ से वॉश कर दूँ सारे बर्तन, एक दो और बर्तन मंदिर में लोटे वगैरह है पीतल के उन सबको। फीवर है मतलब मैंने दवाई ले चुकी हूँ मैं अभी, तब तो मेरे पहले तो ज़्यादा था कि मैं बहुत थक चुकी थी, इसके बताया मेरे को फीवर होने वाला है ऐसे लग रहा था मुझे, पर अब 99.1 है अब, मतलब फीवर तो नहीं है भड़कवासी है, अब धीरे धीरे अब दवाई ले तो धीरे धीरे आराम ही होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय बाय।